आज एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बात कर रहा हूँ जो साइबर फ्रॉड है एक तरीके का, और ये स्कैम ऐसा है कि इसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, अच्छी कंपनियों में जॉब करने वाले लोग भी धोखा खा जा रहे हैं। खासकर उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है जिनकी जॉब गई है और वो जॉब सर्च कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, एक मैसेज आया और मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों के पास भी ये मैसेज आया होगा, क्योंकि खुद मेरे पास कई ऐसे मैसेज आए हैं। उसमें लिखा हुआ होता है, व्हाट्सएप मैसेज होता है, कि आपको अगर वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर पार्ट टाइम पैसे कमाना है तो आपको इंस्टाग्राम के कुछ हैंडल्स फॉलो करने होंगे। वो हर किसी को अलग अलग तरीके का आता है। किसी को आता है आपको यूट्यूब का वीडियो लाइक करना होगा, किसी को आता है गूगल पे रिव्यूज़ करना होगा, किसी को फेसबुक के पोस्ट लाइक करने होंगे। तो इस तरह के मैसेज आते हैं और आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं कि अगर वो काम करना है, जो कई लोगों ने एक्सेप्ट किया है। मैंने वैसे लगभग 100 लोगों से बातचीत करी है जो कुल मिलाकर के लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपना गंवा चुके हैं सिर्फ इसी स्कैम में। और ऐसा नहीं है कि उनके अकाउंट से वो स्कैमर्स पैसा ले चुके हैं, ये ऐसा है कि उन्होंने खुद अपने अकाउंट से उन स्कैमर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्कैम है। तो अब मैं बता रहा हूँ ये कैसे चलता है। तो मैं बात कर रहा था कि मैसेज आता है, अब मैसेज आपके पास आया, उसके बाद वो कहते हैं कि दिन भर में अगर आप 20 इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करते हैं, वीडियोस लाइक करते हैं, तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो जैसे आपने लाइक फॉलो कर दिया तो शाम तक अकाउंट में 5 से 10 हज़ार रुपये आ जाते हैं। हमने जितने लोगों से बात करी, सारे के सारे लोगों ने कहा कि शाम तक जितना लाइक फॉलो करने के लिए जो टास्क दिया गया था, और टास्क परफॉर्म करने के बाद उनके अकाउंट में 5 से 10 हज़ार रुपये आ गए। अब भरोसा जो यहीं से बनना शुरू हो जाता है। तो स्कैमर्स ने एक तरह से भरोसा जीत लिया। अब शुरू होता है दूसरा स्टेज, यानी दूसरा टास्क। व्हाट्सएप से ले जाकर उन्हें टेलीग्राम पे शिफ्ट किया जाता है। टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ होता है, उस ग्रुप में पहले से ही कई सारे स्कैमर्स ऐड होते हैं। फिर उस ग्रुप में जो नए विक्टिम्स होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है और उन्हें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड एक पोर्टल का होता है जो देखने में क्रिप्टो ट्रेडिंग पोर्टल जैसा दिखता है। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग पोर्टल के लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बाद उनका एक वॉलेट, वर्चुअल वॉलेट क्रिएट हो जाता है और वहाँ बिटकॉइन, इथेरियम जैसी चीज़ें दिखती हैं और एक चार्ट दिखता है, ग्राफ दिखता है, और बताया जाता है कि आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी सेल करना है जिसका 20% फ़ायदा आपको मिलेगा। उसके बाद जो उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जो पहले से स्कैमर्स होते हैं वो लगातार स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, शेयर करते हैं उस ग्रुप में पेमेंट की, कि 10,000 रुपये का पेमेंट हो गया, ये रहा स्क्रीनशॉट, 50,000 रुपये का पेमेंट हो गया, ये रहा स्क्रीनशॉट। तो वो जो स्क्रीनशॉट होता है वो फेक होता है, क्योंकि वो स्कैमर्स खुद से ही एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब जो नए विक्टिम को ऐड किया जाता है, उसे ऐसा लगता है कि सारे लोग तो यही काम कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करना शुरू कर दें। तो 5,000, फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत 5,000 रुपये से होती है। तो 5,000 रुपये जैसे उसने फॉरवर्ड किया अकाउंट में स्कैमर्स के, तो स्कैमर्स क्या करता है कि वो जो फर्जी पोर्टल बना करके दिया है तो उसके वॉलेट में ये रिफ्लेक्ट करने लगता है कि 5,000 रुपये आपके हो गए। तो पूरे दिन आप काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग दिखने जैसा चीज़ होता है, मतलब वो ट्रेडिंग होता नहीं, वो नकली होता है। तो जैसे आपने बाइंग सेलिंग किया, उसके बाद 5,000 रुपये का 20% आपका प्रॉफिट, जो फेक प्रॉफिट बन जाता है और वॉलेट में रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 5,500 रुपये आपको वॉलेट में रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। तो उससे एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों को मिलती है कि मेरा पैसा कहीं गलत जगह पे नहीं गया है, वो एक वॉलेट में है। फिर धीरे धीरे करके 5,000 रुपये से 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 करते करते मैंने कई ऐसे विक्टिम से बात करी है जिन्होंने 20-20 लाख रुपए तक पेमेंट किए हैं। एक ने ऐसा कहा, इनफैक्ट उसने ऐसा कहा कि उसने टोटल 40 लाख रुपए इस स्कैम में लगा दिए हैं। उसने अपने बैंक का पासबुक भी भेजा है, मेरे साथ शेयर किया है, स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं और कई ऐसे लिंक भेजे हैं जिसमें उसकी यूज़र आईडी पासवर्ड बनी हुई है, लेकिन ट्रेस कुछ नहीं मिलता, क्योंकि स्कैमर जो होते हैं टेलीग्राम ग्रुप का यूज़ करते हैं। अब टेलीग्राम का मुद्दा ऐसा है कि टेलीग्राम पर अगर कोई आपसे बात करे तो चाहे तो अपना नंबर हाइड कर सकता है, और टेलीग्राम ग्रुप में किसी का नंबर शो नहीं होता है। और टेलीग्राम ग्रुप की एक और खासियत यह है कि कोई जो एडमिन होता है वो चैट दोनों तरफ की डिलीट कर सकता है, यानी आपकी भी चैट डिलीट कर लेगा, खुद की भी चैट डिलीट कर लेगा। तो इन सब के साथ ऐसा ही हुआ है, सारे के साथ फ्रॉड करके चैट डिलीट कर ली गई। और अब ये जब देखते हैं तो बताया जाता है कि वो टेलीग्राम अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जब पता चल गया इन्हें कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, 20-30 लाख रुपए चले गए, और एक बात यहीं तक खत्म नहीं होती, उन्हें उधार मांग मांग करके पैसे देने होते हैं, क्योंकि जैसे आपने 1,00,000 रुपए लगा दिया
और कहा जाता है कि इसे बैंक अकाउंट में, रियल बैंक अकाउंट में इस पैसे को आने के लिए आपको फिर से एक टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उस 1 लाख रुपए को निकालने के लिए आप किसी ना किसी से उधार मांगेंगे। तो ऐसे ही कई लोगों ने उधार मांगा, कई लोगों ने लोन तक ले लिया। लोन लेकर के बिल्कुल वो कह रहे हैं कि अब हम सड़क पे आ चुके हैं, अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो हम सुसाइड तक कर लेंगे। कुछ लोगों ने मैसेज करके बताया कि उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि उनकी शादी होने वाली है कुछ दिनों के बाद, और उनका जो पूरी अभी से जितना जमा पूंजी थी वो सारी खत्म हो चुकी है। उन्होंने साइबर सेल में शिकायत करी है, FIR किया है, पुलिस में कंप्लेन करी है, लेकिन अभी तक किसी को कोई पुख्ता सोल्यूशन नहीं मिला है। पुलिस का सिर्फ यही कहना है कि वो जाँच कर रहे हैं और बाद में सोल्यूशन होगा तो बताया जाएगा। तो जो मैं टेलीग्राम की बात कर रहा था, टेलीग्राम से कोई ट्रेस नहीं मिलता, लेकिन चूंकि जो बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे, उस बैंक अकाउंट के आधार पर वो पूरा का पूरा कंप्लेन किया गया है। बट सवाल ये है कि अब बैंक अकाउंट किसके नाम से है, पुलिस कितना ट्रेस कर सकती है, ये तो आने वाले समय में ही क्लियर होगा। लेकिन अभी तक के लिए ये है कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई मैसेज आता है तो पहली फुर्सत में उसे ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें और तुरंत पुलिस के पास कंप्लेन करें उसकी, ताकि इस तरह के जो फ्रॉड का नेक्सस हो उसका पर्दाफाश हो सके और आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। तो ये वीडियो जो है मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये वर्क फ्रॉम होम स्कैम जो चला हुआ है इससे लोग बच सकें। इस वजह से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।